चश्ती और आप देख रहे हैं चश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और डीआईवाईज की। गाइस, आज मैं कुछ प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूं जो कि मैंने वन ब्रांड प्रोडक्ट मंगाए हैं, यानी शुगर। मैंने शुगर कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट मंगाए हैं, जिसमें मैंने लिपस्टिक है, फाउंडेशन है एंड कॉन्टूर जो है ना वो मंगाया है, बिकॉज मुझे शुगर के काफ़ी प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं। एंड काफ़ी टाइम पहले, आई थिंक एक साल पहले मैंने इनके प्रोडक्ट मंगाए थे और मुझे इतने अच्छी लगी थी ना वो लिपस्टिक्स एंड वो सारी चीज़ें, तो अभी मैंने फिर से मंगाई है एंड ये रही। तो ये जो है मेरे पास है, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के ये हैं प्रोडक्ट एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इसमें देखिए, मैंने शुगर की टोटल 3 लिपस्टिक्स मंगाई है अभी फ़िलहाल एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी, इनको मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ एंड ये कलर मेरे मोस्ट फेवरेट हो गए हैं, मोस्ट फेवरेट, सीरियसली बता रही हूँ, क्योंकि मुझे न्यूड कलर बहुत अच्छे लगते हैं। मैं आपको शुरू से बोलती हूँ कि मुझे न्यूड कलर लिपस्टिक में अच्छे लगते हैं एंड ये मैंने 3 लिपस्टिक्स मंगाई है शुगर की एंड तीनों के कलर्स आप लोग देखोगे तो तीनों के ही न्यूड कलर हैं, न्यूड शेड हैं, जिसमें 01 है, 04 है और 11 नंबर है, ये तीनों हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तीनों के वन बाय वन ओपन करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले लिपस्टिक देख लेते हैं एंड एक मैंने मेबलिन की लिपस्टिक मंगाई है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, इसका कलर है 660, बहुत ही अमेजिंग है एंड चलिए वन बाय वन देखते हैं सारी। फर्स्ट स्टार्ट कर, फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखते हैं तो शुगर की ये लिपस्टिक मैंने बाय की है एंड इसका जो आप देखेंगे तो नंबर जो है वो है 11 नंबर इसका। आप लोग बाय करेंगे ना तो इसके अकॉर्डिंग ही देखिएगा, न्यूड शेड है ये, बहुत ही प्यारे हैं। अब मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ एंड इसका जो कैप है ना गाइज, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आप हल्का सा इसको इस तरह से करेंगे ना एकदम फिट हो जाती है, मतलब कि अगर हम पर्स में डालें ना, कैरी करके कहीं लेके जाएं तो बिल्कुल भी आपके पर्स में ऐसा नहीं कि ढक्कन खुल के लिड इधर उधर चला गया है और लिपस्टिक ख़राब हो गई, ऐसा नहीं होता। ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है, इनकी जो पैकेजिंग है वो काफ़ी अच्छी है एंड ये देखेंगे तो इस तरह की लिपस्टिक है ये एंड इसका कलर आप देखो न्यूड कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले, इसके शेड जो है ना ये देखिए बहुत प्यारा शेड है एंड ये तो एक कलर मैंने ये मंगाया है 11 नंबर जो है एंड काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे शुगर की सभी। एंड सेकंड जो आप देख रहे हैं तो ये है 04 एंड इसका जो शेड है ना वो मतलब सिमिलर है, तीनों के जो शेड है ना वो सिमिलर है। आप लोग मुझे देखते ही है ना वीडियोस में जो मैं वियर करती हूँ लिपस्टिक, मोस्टली मैं न्यूड लिपस्टिक ही वियर करती हूँ एंड इसका कलर आप लोग देखो कितना ज़्यादा प्यारा है एंड बिल्कुल सिमिलर कलर है, ये देखिए, तो ये कलर भी काफ़ी अच्छा है एंड इसके बाद में नेक्स्ट है ये 01 कलर एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका भी, देखेंगे तो मतलब सिमिलर है, क्योंकि न्यूड में देखिए सारे कलर्स थोड़े सिमिलर होते हैं ना, ये देखिए। अब आप देखो तीनों कलर ही इतने प्यारे लग रहे हैं एंड मुझे तीनों कलर बहुत ज़्यादा पसंद हैं ये, इसलिए मैं इसको मतलब ख़त्म होती है और मैं फिर से मंगाती हूँ, फिर ख़त्म होती है मैं मंगाती हूँ, मुझे ये शुगर की ये लिपस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैंने 3 लिपस्टिक ये मंगाई है शुगर की, ठीक है, एंड एक मैंने मेबलिन की मंगाई है। मेबलिन का ये कलर मुझे बहुत प्यारा लगता है, अभी आप जो मेरे लिप्स पर देख रहे हैं ना वो यही वाला कलर लगा हुआ है जिसका शेड है एंड काफ़ी अच्छा शेड है ये। तो चलिए ये वाला ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसका कलर कुछ इस तरह से है, ये शेड है हल्का सा पिंक में आता है, मतलब न्यूड पिंक बोलेंगे ना वो कलर है। तो ये जो चारों कलर है ना, ये चारों कलर मुझे बहुत पसंद है एंड ये मैंने मेबलिन की मंगाई है। तो 4 लिपस्टिक मंगाई है एंड फिर मैंने शुगर का ये कॉन्टोर पैलेट मंगाया है, बिकॉज मैंने एक और है मेरे पास उसका शेड अलग है एंड अभी जो मैंने मंगाया, मैंने एक ये वाला शेड मंगाया एंड कॉन्टोर बहुत अच्छा है गाइस, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है इसकी, अच्छी है ना, ये देखिए एंड मैं इसको यूज़ कर भी रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये एंड इसका जो अगर मैं आपको दिखाऊँ ना पिगमेंटेशन, तो रियली मैं बहुत अच्छी पिगमेंटेशन है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए इसमें और भी शेड्स थे बट मैंने ये वाला ही शेड लिया है। इसका शेड नंबर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है 03, ठीक है, 03 कैरामिल कैप्टन है इसका शेड नंबर, ओके। एक ये मंगाया है,
एक मैंने शुगर का ये फाउंडेशन मंगाया जो कि सीरम फाउंडेशन है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसे अगर हम देखें तो जिसकी ड्राई स्किन है ना उनके लिए बहुत अच्छा है ये, क्योंकि हल्का सा स्किन पे एक मॉइस्चर देता है ये, है ना, और विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। लेकिन अभी आपको पता है मेरी स्किन थोड़ी सी ड्राई ही है, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर कर दिया क्योंकि अच्छा मुझे एक साथ ये मंगाने थे प्रोडक्ट, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। एंड इसका शेड है 37, ये देखिए इसमें बहुत सारे शेड आपको मिल जाएंगे, 39 है, 41 है आई थिंक, तो बहुत सारे शेड हैं। मेरा शेड है वो 37 है, जिसमें ये डार्क शेड है अभी, और मुझे डार्क लग रहा है लेकिन मैं सोच रही हूँ कि यार अब मैं दूसरा फाउंडेशन मिक्स करके भी इसको यूज़ कर सकती हूँ। और ये इस तरह के ड्रॉपर में आता है, ठीक है, एंड इसका जो कलर है वो आप देख सकते हैं इस तरह का है, हल्का सा मुझे डार्क लग रहा है ये अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट कर लूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है वापस चेंज करवाने का, ठीक है। एंड एक मैंने ये मंगाया, एंड एक गाइस मैंने ये NYX का मंगाया है जो कि मेकअप सेटिंग स्प्रे है। हम जब भी मेकअप करते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि पूरा दिन मेकअप आपका बहुत अच्छा रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो हमेशा आपको एक मेकअप सेटिंग स्प्रे अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इससे बहुत अच्छे से आपका मेकअप है वो सेट रहता है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है। आप एक बार मेकअप अच्छे से करके इसको स्प्रे कर लेंगे ना फेस पर, तो आपका जो मेकअप है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि पूरे 24 घंटे आपका मेकअप एज इट इज रहता है। तो मैंने एक ये NYX का ये मंगाया, इसमें दो आते हैं, एक आई थिंक आता है ड्यूई लुक के लिए और एक आता है मैट फिनिश के लिए, है ना। मैंने जो मंगाया है क्योंकि अभी समर है ना, गर्मी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने मैट फिनिश वाला मंगाया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग अपने लिए भी ले सकते हैं, जो भी मेकअप लवर है और मेकअप करना पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी वाली चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कंप्लीट सारी जो मैंने अभी चीज़ें मंगाई है, तो टोटल 4 लिपस्टिक है एंड ये, और ये मैंने चीज़ें अभी बाय की है। तो इन सबको अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी शेड आपको पसंद आया है, तो सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप लोग जाना डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा एंड वहाँ पर जो लिंक है उस पर क्लिक करके अपने लिए बाय कर सकते हैं ये प्रोडक्ट अगर आप लोग लेना चाहें तो, ठीक है। एंड वीडियो कैसी लगी है, इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, लिपस्टिक का कलर कौन सा अच्छा लगा मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और सबके साथ में शेयर भी ज़रूर कर देना, ठीक है। तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय गाइज़।